दोस्तों यदि आप इमरजेंसी लोन लेना चाहते हैं सिर्फ आधार पैन के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में सारे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, किन सिटी में लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे लोन देती है और कितने हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैंने डिक्लेयर किया है। और साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के जरिए लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनल आ चुका है मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों हमारे फोन में एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है, मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। दोस्तों ये है एप्लीकेशन के इंटरफेस और ये NBFC बैंक द्वारा लोन फाइनेंस कराने वाली कंपनी है। आपको यहां पर कुछ ध्यान देना होगा, टर्म कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी एक बार अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद यहां से एग्री करेंगे। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ परमिशन भी आपसे ली जाएंगे, जैसे कि स्टोरेज, कैमरा, कॉन्टेक्ट, मीडिया, गैलरी, वो लोकेशन के लिए भी आपको परमिशन देने होंगे और साथ साथ यहां पर इंस्टॉल एप्लीकेशन के लिए भी परमिशन देना होगा। उसके लिए आप ओके टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप यहां पर अलाउ करेंगे, जिसके जरिए से कंप्लीट परमिशन दे पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन या फिर साइन अप करने के लिए अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी के जरिए से ओटीपी वेरिफिकेशन कोड फिलअप करेंगे और नीचे से लॉगिन या फिर साइन अप कर लेंगे। तो दोस्तों ये है एप्लीकेशन की इंटरफेस और यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको मिलेगी 3500 रुपए के लिमिट्स। उसके बाद अगर आप टाइम टू टाइम लोन को रिपेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट बिहेवियर भी आपका ठीक हो सकता है और आपकी सिविल भी अच्छे खासी बिल्ड हो सकती है। आप यहाँ से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्या क्या चीजें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने वाला है। सिर्फ आधार पैन के साथ एप्लीकेशन ये वर्क करती है। मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट करेंगे, उसके बाद जैसे अप्रूवल आपको मिलती है, अप्रूवल मिलते ही अपने बैंक खाते में लोन अमाउंट को डिसबर्समेंट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, बट शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वर्क इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर KYC डिटेल्स वगैरह भी आपको शेयर करना होगा, यानी बैंक डिटेल्स, कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देने होंगे। सारी चीजें डिटेल्स कवर करने वाले हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स शेयर करना होगा, जो भी आपका पैन कार्ड में नाम होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो चीज डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जेंडर आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस आपको बतानी होगी, हाईएस्ट एजुकेशनल डिटेल्स आपको बतानी होगी, कितने तक आप पढ़े हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, रिलीजन तक आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद नीचे से सबमिट करेंगे। ये सारे डिटेल्स बेसिक डिटेल्स के अंदर में आपको फिलअप करना है। दोस्तों यहाँ पर बात आती है पर्सनल डिटेल्स, जिसमें कि आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना होगा। यदि आप सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, अपने हिसाब से यहाँ पर चूज करेंगे, एक वैलिड ईमेल आईडी देंगे, ऑक्यूपेशन बताएंगे, आपका किस तरह का पोस्ट है, किस तरह का वर्क करते हैं, कंपनी का नाम बताएंगे, अगर कोई कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का नाम, या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस का भी नाम डाल सकते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं काम, वो चीजें आपको यहाँ पर बतानी होगी, वर्किंग एड्रेस आपको बताना होगा कि आपके बिजनेस या फिर कंपनी किस एड्रेस पे है और साथ ही साथ वहाँ का पिन कोड भी आपको देनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको मंथली सैलरी या फिर इनकम आपको बतानी होगी। दोस्तों नीचे में करंट एड्रेस, पिन कोड डिटेल के साथ आपको बताना होगा और टाइप्स ऑफ रेसिडेंट आपको बतानी होगी, आप रेंट पे रहते हैं या फिर आपके खुद के घर में, वो चीजें डिटेल्स देने के बाद नीचे से सबमिट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात आती है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर के बारे में, यानी कि दो रेफरेंस कॉन्टेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कराना होगा, जिसमें आप एक फैमिली मेंबर में किसी का भी दे सकते हैं और दूसरा फ्रेंड सर्कल में, उसके बाद नीचे से सबमिट करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है KYC डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब आपको यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक कॉपी अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करते हैं, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका नाम, पिन कोड और परमानेंट एड्रेस डिटेल्स आपका फैच कर लिया जाता है, उसके बाद नीचे से नेक्स्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात आती है पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड का फ्रंट कॉपी अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड करेंगे, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका नाम, फादर नेम डिटेल्स ऑटोमेटिक फैच कर लिया जाता है और नीचे से नेक्स्ट स्टेप वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेल्फी रिकॉर्डिंग लेनी होगी, जिसमें कि आपको हेड एंड लेफ्ट टर्न आपको कुछ इस तरह से करनी होगी, यानी इनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे, जो कि 7 या 5 सेकंड के लिए होता है, आपको यहाँ पर ले लेनी है। दोस्तों यहाँ पर लास्ट स्टेप आता है बैंक अकाउंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा। जिस भी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कराना चाहते हैं या फिर डिपॉजिट कराना चाहते हैं, वो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको शेयर करना होगा। आप यहाँ पर बैंक नेम आप डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, कन्फर्म करेंगे अपना बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड डालेंगे, कन्फर्म करेंगे अपना IFSC कोड नंबर, उसके बाद नीचे से एड अकाउंट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से करने से आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स एड हो जाएगा।
दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाता है लोन ऑफ पर्पज, यानी आप किस चीज के लिए लोन लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर चूज करेंगे और नीचे से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे लोन अमाउंट यहाँ पर 3500 रुपए की है, इंटरेस्ट यहाँ पर 22 रुपए कुछ पैसे लिए जा रहे हैं, प्रोसेसिंग फी 800 कुछ रुपए यहाँ पर देने पड़ रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। जीएसटी 18% के रूप में 157 रुपए कुछ पैसे लिए जा रहे हैं। आपको लोन को रिपेमेंट करना होगा 3522 रुपए कुछ पैसे, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। अगर आप 3500 रुपए के लिए आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर देख पाएंगे 2400 कुछ रुपए आपके बैंक खाते में क्रेडिट होने वाले हैं, यानी आपका अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। और लोन रिपेमेंट करने का डेट भी आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, यानी 22/10/2020 आपको यहाँ पर 7 दिनों से लेकर 8 दिनों का आपको लोन टर्म देखने के लिए मिलेगा, यानी आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इमरजेंसी नीड है तो ही आप एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करेगा, नहीं तो बिल्कुल भी लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोन लेते हैं और लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे में आपको कॉल करके हरासमेंट भी किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, हर एक वीडियो में आपको बता दे रहता हूँ कि ऐसे लोन एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें। हमारा काम है सही जानकारी आप लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि कौन सी एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, कितने समय के लिए लोन एप्लीकेशन वर्क कर रही है, कौन सी एप्लीकेशन नया है, कब आई है, कैसे वर्क कर रही है, कितने समय के लिए लोन प्रोवाइड करा रही है, वो सारी डिटेल्स एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आप लोगों के लिए बता दे रहता हूँ। आपकी इमरजेंसी नीड है तो लोन के लिए अप्लाई करिए, नहीं तो बिल्कुल भी लोन अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमें बैंक खाते में लेकर दिखाओ, तो भाई मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर लेकर दिखाया भी है और हर एक एप्लीकेशन के ऊपर लेकर दिखाना मेरे लिए बेवकूफी होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही आपको बताऊंगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए कि हमारे कौन कौन एप्लीकेशन के जरिए से लोन चल रही है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों ये है पहला एप्लीकेशन जो ब्यूनो फाइनेंस एप्लीकेशन है। यहाँ पर 3000 रुपए की फिलहाल लिमिट्स है और यहाँ पर 265 रुपए ईएमआई पेमेंट करनी होती है हर एक वीक, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एम पॉकेट एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ भी 10000 की फिलहाल लिमिट्स मिली थी और मैंने सारी 10000 की लिमिट्स अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया है। और यहाँ भी हमारे देख पाएंगे कितने बार मैंने यहाँ पर लोन ले रखा है, जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे 1300-2600 रुपए के लिए 650-650, यहाँ पर देख पाएंगे 2400 रुपए के लिए मैंने इस तरह से लोन ले रखा है। आपको यहाँ पर मैक्सिमम लोन टर्म मिल जाता है 3 मंथ के लिए, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर देख पाएंगे ये प्रूफ है कि मैंने इस एप्लीकेशन से भी लोन लिया है, बिनो फाइनेंस के जरिए से भी लिया है। और भी एप्लीकेशन के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये है स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन, आपको यहाँ भी 2 मंथ के लिए समय मिल जाता है, आपको ईएमआई के रूप में आप यहाँ पर लोन को रिपेमेंट कर पाएंगे। जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे 4000 रुपए की फिलहाल लिमिट्स है और मुझे 2090 रुपए पेमेंट करनी होगी 9 नवंबर 2020 को, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। ये भी एक ईएमआई लोन एप्लीकेशन है। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में जहाँ से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया और लोन लेकर आप लोगों को पिछले वीडियो में ही दिखाया है। दोस्तों ये है नवी लोन एप्लीकेशन जिसमें कि यहाँ पर 1842 रुपए हमें हर एक मंथ ईएमआई पेमेंट करनी होती है और 35000 रुपए की हमारी लोन अमाउंट है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। और ये 2 साल के लिए हमें लोन यहाँ पर मिला है, जैसा कि स्क्रीन के सामने आप डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के बारे में। आप यहाँ पर देख पाएंगे इस एप्लीकेशन के जरिए से भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लोन ले रखा है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख पाएंगे 2247 रुपए हमें यहाँ पर लोन को रिपेमेंट करना है। यहाँ पर आपको 1 मंथ का समय पूरा का पूरा मिल जाता है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। भाई और क्या प्रूफ चाहिए, ये चीजें आप यहाँ पर डिटेल में देख लो। सारी चीजें मैंने एप्लीकेशन के जरिए से लोन ले रखा है और ये सारे प्रूफ मैंने आपको पिछले वीडियो में लेकर भी दिखाया है। और आप कहते हैं कि प्रूफ पेमेंट के साथ बताओ, वीडियो में लेकर दिखाओ, अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करके दिखाओ। भाई हर एक एप्लीकेशन के ऊपर लोन अप्लाई करके अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करना बहुत ही नहीं है, क्योंकि हमें भी लोन को यहाँ पर रिपेमेंट करना होगा। इस बात को आपको भी समझना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए वर्क भी कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर हमें विश्वास भी दिलाना होगा, ताकि अगर विश्वास अगर आप लोग नहीं दिलाएंगे तो मैं काम करने में सक्षम नहीं रहूंगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे मैंने कई जगह से आपको लोन लेकर दिखाया है, हैवी लोन एप्लीकेशन के जरिए से लोन लेकर दिखाया है कि आपको प्रूफ पेमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जाकर डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। हर एक ईएमआई लोन एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में ही बताया है, लेकर दिखाया है और यहाँ भी आपको प्रूफ पेमेंट के साथ ही मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये है एनबीएफसी द्वारा लोन एप्लीकेशन प्रोवाइड कराती है, लिए है लोन क्लाउड एप्लीकेशन। और यहाँ पर 1650 रुपए मैंने लोन ले रखा है और 2000 कुछ रुपए मुझे यहाँ पर लोन को रिपेमेंट करना है। ये भी एप्लीकेशन के जरिए से मैंने आपको प्रूफ पेमेंट के साथ ही बताया था। अब क्या किस तरह का प्रूफ चाहिए आप लोगों को, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैंने इतने सारे आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए मैंने अपना पर्सनली व्हाट्सएप नंबर तक भी दिया है, ताकि आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, इंस्टेंट आप हमसे चैट कर सकें। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहां भी हमें कमेंट्स करके कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी इमरजेंसी नीड है तो आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करिए, नहीं तो बिल्कुल भी लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें कि आपको 1 मंथ से लेकर 36 मंथ तक के एप्लीकेशन के बारे में बताया है,
जिसमें कि आपको EMI बेस के जरिए से पर मंथ लोन को रिपेमेंट करने का सुविधा आपको मिल जाएगा। जाकर वो सब वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही हमेशा वीडियो में लाते रहता हूं।